आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये ऐसा व्रत है जो सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत रखने से व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिन के प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहते हैं। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शनि प्रदोष के संबंध में पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निमन वंदना बताई। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतक रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। ओम नमः शिवाय।